दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुंबई की शर्मनाक हार के बाद रोते हुए जब खुद रोहित शर्मा के सामने हाथ जोड़कर नीता अंबानी ने उनसे माफी मांगी और उन्हें दोबारा कप्तान बनाने का ऐलान किया, तब ये नजारा देखकर तो हार्दिक पांड्या से लेकर पूरा क्रिकेट जगत हक्का बक्का रह गया। तो आखिर क्या सच में अब मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा? क्यों रोहित से माफी मांगने पर मजबूर होगी मालकिन नीता अंबानी? कितना बड़ा ऑफर किया है अब उन्होंने रोहित को? क्या कुछ नीता अंबानी ने की रोहित से मैदान में बातचीत? इस खबर के साथ वो लम्हा भी हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक और रोहित को क्या कुछ नीता अंबानी ने रोहित के मैदान में बातचीत की? इस खबर के साथ वो लम्हा भी हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में मिली राजस्थान के खिलाफ हार का बदला लेने के लिए हार्दिक पांड्या की पलटन पहुंची जयपुर। यहां एक बार फिर सामना हुआ राजस्थान की टीम से। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मुंबई के फैंस को लगा था कि मुंबई इंडियंस राजस्थान को जरूर हराएगी, लेकिन जब कप्तान हार्दिक पांड्या जैसा हो तब मुंबई जैसी महान टीम भी आईपीएल की सबसे घटिया टीम में तब्दील हो सकती है, और राजस्थान ने ये बात एक बार फिर साबित कर दिखाई। मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर केवल 179 रन बना सकी। संदीप शर्मा की घातक गेंदबाजी के आगे मुंबई का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया था। तिलक वर्मा और निहाल वडेरा ने मिलकर टीम को संभाला। तिलक ने अपनी टीम के लिए 45 गेंद पर 65 रन बनाए, तो वहीं निहाल वडेरा ने 24 गेंद पर 49 रनों की पारी खेलकर टीम को यहां तक पहुंचाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद शानदार हुई। जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 61 रनों तक पहुँचा दिया था। खैर, जॉस बटलर 35 रन बनाकर पीयूष चावला के शिकार हो गए, लेकिन जायसवाल तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोका, अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते राजस्थान ये मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम कर गई। जहां एक तरफ राजस्थान की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, तो वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी बेहद निराश थे। हर खिलाड़ियों के चेहरे पर हार का दर्द छलक रहा था। जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए, लेकिन रोहित शर्मा अकेले स्टेडियम में टहल रहे थे। उन्हें देखकर मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी रोहित शर्मा से मिलने के लिए अचानक उनके पास चले गए। इन दोनों लोगों को देखकर रोहित शर्मा भी पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीता अंबानी और आकाश क्या करने आए हैं, लेकिन नीता अंबानी ने रोहित शर्मा को काफी देर तक मैदान में ही समझाया। उन्हें मिली हार के बाद भी उनका हौसला बढ़ाया। फिर नीता, आकाश अंबानी और रोहित शर्मा एक दूसरे से काफी देर तक बातचीत किए। आकाश अंबानी भी कुछ रोहित शर्मा को समझा रहे थे। बातचीत करते करते तीनों एक साथ मुस्कुराने लगे। यह नजारा देखकर रोहित की पत्नी रितिका से लेकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। लंबे समय तक तीनों लोगों ने स्टेडियम में वक्त बिताया, फिर एक दूसरे से हाथ मिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर एक अलग ही बात निकलकर सामने आई है। खबरों के मुताबिक नीता अंबानी ने एक बार फिर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया है। नीता और आकाश अंबानी ने मिलकर रोहित शर्मा से माफी मांगी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है, इसीलिए हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनकर रोहित को कप्तानी देने का फैसला ले लिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, अभी इस खबर पर कोई ऑफिशियल सूचना नहीं मिली है। अब देखना यही होगा कि क्या सच में हार्दिक की जगह रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और मुंबई के खिलाफ राजस्थान के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने लगाया तूफानी शतक, तो शतक ठोकने के साथ संजू सैमसन और रोहित शर्मा को लेकर दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और मुंबई के बीच खेले गए रोमांचक मैच में राजस्थान की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद जीत के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोकने के साथ संजू सैमसन और रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया। इस बीच उन्होंने दोनों को लेकर एक ऐसा दिल जीत लेने वाला बयान दिया जो आपके दिलों को भी छू लेगा। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल ने संजू और रोहित
शर्मा को लेकर क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन महान बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मुंबई और राजस्थान के बीच खेले गए रोमांचक मैच में राजस्थान की टीम को 9 विकेट से अपने घर पर जीत मिल गई। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई को 179 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोका था और उसका पीछा करते हुए 18.4 ओवर में लक्ष्य को 9 विकेट से प्राप्त कर लिया। जहां पर गेंदबाजी में संदीप शर्मा ने 5 विकेट लिए तो वहीं बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंदों पर 9 चौके और 7 छक्के की मदद से 174 के स्ट्राइक रेट से 104 रनों की नाबाद पारी खेली और राजस्थान की टीम को जीत दिलाई, जिसके साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने की दावेदारी ठोक दी। और ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक लगाने के बाद राजस्थान के कप्तान संजू और भारत के रोहित शर्मा को लेकर दिल जीत लेने वाला बयान दिया, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने शतक ठोकने के बाद बयान देते हुए कहा कि इस मैच में शतक लगाने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। हालांकि किसी भी खिलाड़ी के लिए T20 में शतक लगाना काफी ज्यादा बेहतरीन मोमेंट होता है, लेकिन अगर उस खिलाड़ी के शतक के दम पर टीम को जीत मिले तो ये उस खिलाड़ी के लिए और भी ज्यादा सौभाग्य की बात होती है। और आज वो सौभाग्य मुझे मिला, क्योंकि इस मैच में मैंने शतक लगाया तो साथ ही में अपनी टीम को जीत भी दिलाई, जिसके बाद मैं अपने आप से काफी ज्यादा खुश हूं। हालांकि पिछले कुछ मैच के अंदर मुझे खराब प्रदर्शन करने के बाद अंदर से घृणा हो रही थी, जहां पर मुझे लग रहा था कि आने वाले मैच में मुझसे बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, जो आज इस मैच के अंदर मैंने खेल के भी दिखाई है। इस मैच के अंदर मैं शतक लगाने के साथ अपने पिछले मैच के अंदर मिल रही शुरुआत को बड़े स्कोर में ना तब्दील कर पाने की पूरी कसर मुंबई के खिलाफ शतक लगाकर पूरा कर चुका हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में मैंने शतक लगाने के साथ सभी को प्रभावित किया। हालांकि इस मैच के अंदर अगर मेरा तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला है तो उसके पीछे रोहित शर्मा और संजू सैमसन का काफी बड़ा हाथ है। मेरी राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने मुझे बार बार कहा कि तुम अपने ऊपर भरोसा रखो और कोई भी गेंदबाज को मजबूत समझने की कोशिश मत करो और अपने खेल को एंजॉय करो, जिसके चलते मैंने आज उनकी बात मानी और इस मैच में शतक लगाने में मैं कामयाब हुआ। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। जब भी मेरा खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा था तो रोहित शर्मा ने मुझे मैच से पहले बातचीत की और कहा कि मुझे इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने से चयनकर्ता तो मेरी तरफ भी आकर्षित हो जाएंगे और मुझको T20 वर्ल्ड कप में शामिल करेंगे। ऐसे में अब इस पारी को मैं संजू और रोहित शर्मा को समर्पित करता हूँ। दोस्तों यशस्वी के इस मैच में तूफानी शतक को आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, राजस्थान और मुंबई के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम ने 9 विकेट से जीत दर्ज की है। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई की टीम को 179 रन 9 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। तो वहीं इसका पीछा करने के लिए आई राजस्थान की टीम ने इस लक्ष्य को 18.3 ओवर के अंदर अपने नाम कर लिया, जहां पर इस मैच में राजस्थान की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए अपना शतक लगाया। इस बीच उन्होंने 59 गेंद पर IPL का अपना दूसरा शतक लगाया और टीम को जीत दिलाई, जिसके बाद अब यशस्वी जायसवाल के तूफानी प्रदर्शन को देखते हुए भारत के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने बयान जारी किया, जिसमें मुंबई के पूर्व कप्तान और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में आज यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया। इस मैच के अंदर राजस्थान की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने आज एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं भूल पाऊंगा। हालांकि मुंबई की टीम के सामने राजस्थान की टीम को सिर्फ यशस्वी जायसवाल के तूफानी प्रदर्शन के कारण जीत मिल गई है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देख अब मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास में अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी काबिलियत लगातार मौजूद रही है। तो वहीं मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में रोहित शर्मा मुंबई की टीम के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, लेकिन उनका बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार से राजस्थान की टीम की तरफ से इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने तूफानी प्रदर्शन किया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि T20 मैच के अंदर अगर आप इस तरीके की पारी खेलते हैं तो आप ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि यशस्वी जायसवाल ने जिस प्रकार से इस मैच के अंदर जो तूफानी शतक लगाया है वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अब भारतीय टीम के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि यह T20 वर्ल्ड कप का महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो वहीं राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने बयान देते हुए कहा है कि राजस्थान और मुंबई के बीच खेले गए इस मैच में
राजस्थान की टीम को मिली जीत के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच में जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है, वो मुझे काफी ज्यादा प्रभावित कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि यशस्वी जायसवाल आज के दिन अगर बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करते तो ये काफी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता था। ऐसे में आज यशस्वी जायसवाल के तूफानी प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि इस खिलाड़ी का मेन मकसद राजस्थान की टीम को जीत दिलाना नहीं था बल्कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलना था, जिसके कारण तूफानी पारी आज देखने को मिली है। तो दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को अब 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान और मुंबई के बीच राजस्थान के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी की। इस दौरान राजस्थान की टीम की तरफ से गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई की टीम को 179 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में रोक दिया, जहां पर इस मैच के अंदर 52 रन पर 4 विकेट गिर गए। लेकिन इसके बाद 99 रन की साझेदारी तिलक वर्मा और निहाल वढ़ेरा ने की, जहां पर तिलक वर्मा ने 65 रन का योगदान दिया तो वहीं निहाल वढ़ेरा ने 49 रन की पारी खेली। तो वहीं संदीप शर्मा ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए और इसका पीछा करने के लिए आई राजस्थान की टीम ने पावर प्ले में 61 रन बिना विकेट खोकर बनाए, और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसके चलते राजस्थान की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। जिसके बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन का बयान सामने आया है, जिसमें राजस्थान की टीम के कप्तान संजू सैमसन ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच के अंदर राजस्थान की टीम ने मुंबई के खिलाफ काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुंबई की टीम को बुरी तरीके से हराया है। इस मैच के अंदर जिस प्रकार से हमारी टीम के बल्लेबाजों ने आज शानदार बल्लेबाजी की और साथ में गेंदबाजी की है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ।